हेलो जी, गुड मॉर्निंग। राम राम जी। तो दोस्तों बताइए कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं नीतिका शेखो एक बार फिर से करती हूँ स्वागत दिल से। तो जी आज मैं आदिर हूँ एक नया ब्लॉग लेकर, और कीजिए मेरे साथ अपने दिन की शुरुआत। तो गाइस देखिए, बच्चे जाएंगे स्कूल में, तो अब मैं उनके लिए कर रही हूँ लंच रेडी। आज वो लेकर जाएंगे पोहा। पहले मूंगफली भून देती हूँ उनके लिए, और फिर इसी में बना दूंगी इसी पोहा, क्योंकि इसमें ज्यादा चिकनाई की जरूरत नहीं पड़ती। ये ज्यादा ऑयली नहीं होता जी। हो गए हैं रेडी, और देवशी को हो रही है थोड़ी सी खांसी और जुकाम भी। गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग। ऐसे अच्छे से गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। चलो मैं अब नीचे छोड़ कर आऊंगी। और इधर प्रीत भी ले रही अपनी दवाई। दोनों जी नजले जुकाम हो रहे दोनों को। ले ली बेटा, चलो जल्दी। चलो बाय। और जी बस भी आ गई है बच्चों की। बेटा आराम से जाओ बेटा, बाय। तो जी देखिए बच्चे चले गए हैं, और जी 6:30 बजे वे पूरे 6:30 बजे बस आ जाती है। और जी अब चलेंगे ऊपर, अभी तो उनका लंच भी बनाना है। बच्चे तो लेकर गए हैं पोहा। तो गाइस देखिए अब खाने में बनाऊंगी मैं आलू गोभी। ये लेकर जाएंगे लंच इनके लिए। अब करूंगी जी लंच रेडी, आलू गोभी और चावलों की रोटी। ये हमारी सब्जी कट कर रेडी हो गई है, और इधर मैंने चढ़ा दिया है जी छौंक। अब मैं छौंक भून लेती हूँ, और फिर मैं बनाऊंगी चावलों का आटा। ये लेकर जाएंगे चावलों की रोटी। नीचे चल रही है जी साफ सफाई। नीरज कर रहा है ट्रैक्टर की सफाई, और पतिदेव निकलने वाले हैं ऑफिस के लिए। और जी सुबह का व्यू देखिए कितना प्यारा प्यारा। तो जी देखिए टाइम हो गया है दोपहर के, 11:30 बज गए हैं। और जी मैं बना रही हूँ रोटियां, और घर में खा रहे हैं सभी खाना। चलिए जी दिखाऊंगी आपको। देखिए जी इधर मम्मी जी खा रही है खाना, और इधर भैया जी खा रहे हैं, और पापा जी अभी नीचे हैं। पापा जी है नहीं, और बच्चे तो स्कूल चले गए, और बच्चों के पापा चले गए ऑफिस। बच्चे लेकर गए थे सुबह नाश्ते में पोहा, और जी मैं लेकर गए थे आलू गोभी। और मम्मी जी क्या खा रही? कढ़ी। मम्मी जी से पूछो, मम्मी जी क्या खा रही खाने में? कढ़ी खा रही। कढ़ी और दाल बनाई थी आलू गोभी भी, लेकिन मम्मी जी को वो अच्छी लगी। और थोड़ा मम्मी जी को थायराइड है ना, तो जी गोभी वैसे भी नुकसान ही देती है। तो मम्मी जी खा रही है दाल और आलू गोभी। वैसे बढ़िया लग रही दोनों सब्जी। सब्जी क्या सब्जी, तो दोनों में से कोई सी भी नहीं है। एक दाल और एक कढ़ी। तो जी चलिए अभी थोड़ी सी रोटियां मेरी और रह रही, उनको भी खत्म करती हूँ। तो जी अब आ गए हैं हम कपड़े उतारने के लिए, और हमने सुबह धुले थे टेडी बियर। इनको ना देवशी ने इतना गंदा कर रखा था नीचे, लिए फर्श पे लिटा देती है इनको। और जी ये बढ़िया धुल गए आज। अब एक एक करके इनको धुलूंगी, क्योंकि एकदम से तो सारे धुले नहीं जाते। और जी अब सब कपड़े उतार कर लेकर चलेंगे अंदर, और गाइस फिर आ जाएंगे थोड़ी देर में। बच्चे आपको बच्चों से भी मिलवाएंगे। और जी इधर देखिए ये हमारा तोरी का पेड़, इससे छोटे छोटे सी बन तो जाते हैं, लेकिन फिर वो बड़ी नहीं हो पाती। पता नहीं क्या, कुछ मौसम भी नहीं है अब, पता नहीं जी, या कुछ बीमारी वगैरह लग रही इसमें। और गाइस देखिए बच्चे आ गए। क्या हो रहा है, क्यों बैठ रहे ऐसे? किस बात पे आ रही है सी? गुड आफ्टरनून। आजो आजो आजो, गुड आफ्टरनून।
गुड आफ्टरनून, कैसा आ रहा है मेरा बेटा? एक्टिंग कर रहे। गुड आफ्टरनून, भूल जा, यहीं पे डस्टबिन में डाल दो। डस्टबिन में डाल दो। अब बच्चों की निकालेंगे जी यूनिफॉर्म और उनको देंगे खाना, उनके हैंड वॉश कराकर। और जी देवर्षी तो अभी हाथ ही नहीं आ रही, कभी कुछ कर रही कभी कुछ, तो इसका तो अब स्टार्ट हो गया है भैया, शैतानियाँ शुरू हो चुकी हैं। और गाइस देखिए ये है हमारी कितनी प्यारी गुड़िया, पहले सूज निकाल कर अंदर अपनी टेबल पर रखी आई और अब हैंड वॉश करने आ गई, ये होती है गुड गर्ल। चलो अब कपड़े चेंज करा लो, ठीक है। और जी मैं उतार कर लाई ये पीछे से कपड़े, और अब फ्लोटर भी उठा के लेगी, फ्लोटर पहनेगी। अब फ्लोटर अंदर रखने जा ली। चलो भाई आप भी अपने रख के आओ अंदर, ठीक है, और हैंड वॉश करके आओ, फिर खाना, फिर मैं खाना लेके आ रही हूँ। आलू गोभी देखिए, अब प्रीत की यूनिफॉर्म यहाँ पर रख दी। और जी अब देखिए हमारी गुड़िया को आज किसकी आत्मा आ गई, मंजुली का बन गई क्या आज? मंजुली का जरा सभी है दिशु, मंजुली का बन गई आज। हमारी गुड़िया ने कितना काम कर दिया आज स्कूल से आके, और मैं तो बैठी की, मुझे तो बिठा दिया इसने और अपने आप सारा काम संगवा दिया है ना। चलो अब आए तो कर दो सबको, इधर इधर चलो भाई इधर। तो जी देखिए अब बताओ इसे पिट्टू क्या करूँ या डांटू, पिटाई कर दूँ इसकी? क्या बन गई दीशु आप? क्या बन गई मंजिल का बन गई? अब चुड़ैल, चुड़ैल बने, किसने बनाया आपको चुड़ैल बताओ, किसने बनाया? अम्मा ने। गाइस देखिए इसकी हरकतें दिखाऊंगी आपको, जब से आज स्कूल से आई ना पता नहीं क्या खा कर आई है स्कूल में, आज इसकी मैम ने क्या खिला दिया इसे। तो जी देखिए हमने ना ये गट्टे धुले थे गेहूँ के, कल गेहूँ वगैरह बोई गई थी खेतों में, और जी ये धुल के यहाँ पे डाले थे। और इतनी देर से लग रही है, एक उठावे दूसरा गिर जाए इतने उधर से, लेकिन लेके जाके सबको गट्टे ही से गट्टे लेने के लिए भेजा था कि पीछे से उठा के लाओ, एक एक लेके जाओ, एक 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 एक। और गाय जिसका मुंह देखी। अब ना पिटेगी जी। देखिए हमारी बिल्ली रानी ना ये सुबह से आई नहीं थी, और इसे भूख लगी होगी, इसे अपने पेट का नहीं पता किस टाइम पे दूध पीना किस टाइम खाना पीना कुछ पता नहीं इसे। तो जी अब आई, और आज ना मैंने इसका थोड़ा बड़ा बर्तन लगा दिया, अब एक कटोरा अलग से मंगवाऊंगी इसके लिए, वो जो पहले उस कटोरी में रखा करूँगी तो वो छोटा पड़ जाता है इसे। तो जी अब इसके लिए एक कटोरा अलग मंगवाऊंगी, इसलिए मैंने आज ना इसे थोड़े बड़े से इसमें डब्बे में रख दिया दूध, इसमें इसका पेट छक जाएगा, इसे पता ही नहीं रहता अपने पेट का किस टाइम तुझे आना किस टाइम नहीं आना खाना लेना अपना। और रोटी नहीं खाती है, रोटी खानी बंद कर दी, दूध ही दूध पिया है बस, सारा पी लियो ठीक है, छोड़ना मत, चलो पी लो आराम से। तो गाइस देखिए बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से, और जी शैतान की इसकी शैतानी नहीं रुकने की, ट्यूशन से आते ही इसने रस्सी पकड़ ली, अब आपको ना रस्सी पर चढ़ के दिखाएगी, क्योंकि मुझे पता ये इसी एंगल में खड़ी थी, इस एंगल से रस्सी पर चढ़ती है। चलो भैया आज दिखाओ सबको चढ़ के। पता नहीं जी ये पिछले जन्म में बंदर थी क्या, देखी क्या थे आप पिछले जन्म में, क्या थे बेटा आप पिछले जन्म में? तो गाइस देखिए इसके कला खानी, ये देखिए इस शैतान को कहां तक लटक गए, ये बिल्कुल ऊपर छत तक चढ़े यार, तो ये बंदर मेरे वजह से बहुत बड़ा कला हो गया है, और कितनी देर से लटकेगा जैसे देखो हम तो कमरे में से नहीं गुजरा। खाना तो मेरा बन गया, अब ना मैं खा भी लिया सबने, और सबने क्या पापा जी ने नहीं खाया, मम्मी जी ने नहीं खाया, दोनों बच्चों ने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, बस भैया जी ने और नीरज ने, और अभी आशीष जी तो ऑफिस से आए नहीं, बस वे खाएंगे। तो जी सिर्फ घर में आज तीन बंदों ने खाना खाया, बाकी और किसी ने नहीं खाया, क्योंकि जी शाम के टाइम सबने खा लिए थे समोसे,
और मम्मी जी तो वैसे भी नहीं खाती शाम के टाइम खाना। तो जी अब मैं कर रही हूँ, मेरा खाने वाने का काम निपट गया, तो मैं अपने गैस के चूल्हे को क्लीन कर रही हूँ। क्लीनिंग होती है जी सबसे जरूरी, ये तो सबसे पहला काम होता है। और भी फिर मैं चलूंगी थोड़ी देर के लिए नीचे बच्चों को देखने के लिए, मुझे लग रहा कि देवशिश होगी, क्योंकि अब उसको ना दिन में सोने का टाइम नहीं मिलता, 3 बजे तक 3:30 बजे तक स्कूल जाते हैं, फिर ट्यूशन चले जाते हैं। तो जी वो सो भी से लेके आऊंगी, अब बस ये थोड़ा सा काम खत्म करके नीचे चले, और फिर बच्चों के पापा भी आने वाले हैं जी ऑफिस से, उनसे भी आज नीचे ही मिल लेंगे, आपको मिलवाएंगा उनसे। तो जी देखिए मैंने क्लीनिंग कर दिया है अपने गैस के चूल्हे की, और जी अब बढ़िया चमक गया मेरा गैस का चूल्हा, क्योंकि अब काम तो खत्म हो चुका है किचन का सारा। कोई दूध चाय पिएगा तो वो बन जाएगी, वरना फिर सुबह को यूज होगा जी बस हमारा चूल्हा। और जी देखिए जैसे पहले हमारी मम्मी जी और बोलती थी ना कि चूल्हे का मुंह नहीं धुला, तो जी अब हमने अपने चूल्हे का मुंह धुल दिया, अब हमारा चूल्हा ना मुंह धुल के बढ़िया साफ हो गया। देखिये जी चमक आ रही है तो हमारे चूल्हे में से, क्योंकि काम करते टाइम तो थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो जी देखिए टाइम हो गया है गाइस, शाम के 7:15 बज गए, और जी बच्चों के पापा तो अभी तक नहीं आए, क्योंकि जी थोड़ा ऑफिस में उनको अब दिवाली आने लग रही ना, तो जी ऑफिस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो जाता है, बोनस वोनस का चल रहा है जो, और जी वे थोड़ा लेट ही चले हैं ऑफिस से। और जी देखिए जी हमारे पीछे अभी तक जो सामने दुकान है उन पर अभी तक काम चल रहा है, यहाँ पर बनती है जी लोहे की चारपाई वगैरह, ट्रैक्टर की जो ट्रालियाँ वगैरह होती है ना वो बनती है, और लोहे का जो भी सामान होता है। और जी सुबह किसी दिन तो सुबह 4 बजे से आकर ही अपनी शॉप खोल लेते हैं, और पूरा दिन देखिए आप आज आपको आ रही होगी यही शोर शराबा रहता है जी यहाँ पर। और गाय चलिए अब चलेंगे बच्चों को देखने के लिए नीचे, कौन सा सो गया और कौन सा जाग रहा है जी। तो जी देखिए हम आए थे नीचे बच्चों को देखने, और तीनों दादी पोतियों ने इन्होंने पालसा लगवा लिया, तीन दोनों पोती सोगी नहीं सोई कहा, एक तो मुझे देख के ड्रामा कर दिया था एक ने तो, और देवसी सोगी, यही से दिन में सोने का टाइम नहीं मिलता, अब थक जा छोटी तो है अभी। गुड इवनिंग जी, क्या क्या लेके आए, पन्नी में क्या क्या लेके आए, आपको देख कर रोना स्टार्ट कर दिया। स्नैक्स नमकीन बिस्किट सब चीजें दिखाएंगे आपको, बाजार आ गया ना प्लीज। तो ये देखिए नमकीन है, कौन से वाली है, मीठी नमकीन है शायद है, आलू मिक्सचर। और ये की है पीनट, क्या है रोस्ट करी हुई, ये भी जमा हो गई, बड़ी मीठी नमकीन है, बरसाने वाले की श्री कृष्ण का नहीं है, ये भी जमा, एक नमकीन ये है, ये भी जमा कर दो, लो ये भी जमा करो। और जी एक नमकीन ये है नवरत देव देवरतन भारतीय स्वाद, ये उसकी वो कौन फ्लैक्स वाली खट्टे मीठा कौन फ्लैक्स, और ये बिस्किट बेकरी वाले, ये भी जमा कर दो, सोनम के बिस्किट है ना, सोनम के बिस्किट है, तो जी अब चलेंगे देवशी को लेकर ऊपर, ये सो गई है और हल्की हल्की नींद इसकी जब सी भी गई है नींद से अपनी, और जी चलो जी ऊपर लेकर चलते हैं, वहाँ पर सुलाएंगे इसको, टाइम भी हो गया है इसके सोने का, फिर भी जाएंगे स्कूल। आ जाओ उसकी।